हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए हम देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने BF3 की बात करी थी। ठीक है, वहीं से एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो BF3, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो BF3 का हाइड्रोलिसिस करोगे आप रूम टेम्परेचर पे, तो आपको BOH3+3HF ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब एक BF3 मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइस होके, ठीक है, बोरिक एसिड या BOH3 बना लेता है, H3BO3, और जो रिमेनिंग BF3 होते हैं वो मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं जो आपका प्रोडक्ट बना है HF उसके साथ। तो तीन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे HF बना है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स एसिड बना लेता है इसके साथ कंबाइन होके, H+ और BF4-। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एसिड। तो एसिड इन जनरल हम उसको बोलते हैं जो H+ लूज करे, तो यहाँ पे बाहर जो कैटाइन में आपको H+ दिख रहा है वो लूज कर देगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स एसिड बन जाएगा। तो इतने हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो नेट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों रिएक्शन को आप जब ऐड कर देंगे तो 4BF3+3H2O और ये बना लेगा 3H BF4+BOH3। ठीक है, तो ये तो बना लिया इसने बोरिक एसिड और ये कॉम्प्लेक्स एसिड बना लिया। और यहां से अपन ऐसा देख भी सकते हैं जो 3HF है ये 3HF यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1+3 ये तो हो गया 4, और 3H2 इधर आ गया, BOH3+, ये तो बोरिक एसिड प्लस कॉम्प्लेक्स एसिड आपका फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें अपन बात कर रहे थे कि आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का तो क्या होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको आउट ऑफ 4 मोल ऑफ BF3, आउट ऑफ 4 मोल ऑफ BF3 ओनली 1 मोल ऑफ BF3 इस ऐसे बोल सकता हूँ पार्शियल हाइड्रोलाइज, और उससे जो आपका प्रोडक्ट बना उसके साथ रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइज। और हम दूसरी बात ये कह रहे थे कि इसी के दूसरे जो बोरोन हैलाइड होते हैं, अदर बोरोन हैलाइड, ठीक है, अदर बोरोन हैलाइड, अदर बोरोन हैलाइड BX3, लाइक एक्स फ्लोरीन के अलावा फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक, इनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, अंडरगो कंप्लीट
हाइड्रोलाइसिस। बिकॉज जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स एसिड बन रहा था, वैसे इसमें कॉम्प्लेक्स एसिड बनते नहीं है, बिकॉज सिमिलर कॉम्प्लेक्स एसिड। सिमिलर कॉम्प्लेक्स एसिड दैट इज HBx4 टाइप, है ना, जैसे उसमें बन रहा था, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, बोरोन की साइज बड़ी छोटी होती है, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस तरह के कॉम्प्लेक्स एसिड बाकी हेलोजन नहीं बनाता है अदर देन फ्लोरीन। ठीक है, इन सभी का नॉर्मल आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। सेम ऐसा ही प्रोसेस, ठीक है, सेम यही कहानी चलती है SiF4 के साथ। जब आप सिलिकॉन फ्लोराइड की रिएक्शन पानी के साथ ही हाइड्रोलाइसिस जब आप इसका कराओगे, तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करके और सिलिसिक एसिड बना लेगा 1 मोल। तो ठीक है, चारों एफ हमने OH से रिप्लेस कर दिए, साथ में 4HF बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, सिलिसिक एसिड। जैसे वहां पे बोरिक एसिड बन रहा था, और रिमेनिंग अनरिएक्टेड जो मॉलिक्यूल है उसके साथ HF रिएक्ट करेगा अगेन, ठीक है, और यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स एसिड बना लेगा फिर से H2SiF6। और इसको पूरे को चाहो आप तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे जो 4 बना है ना, वो बैलेंस हो जाएगा। और इसमें भी आप जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 2 और यहाँ पे बाहर 2 ले लिया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 3SiF4 हो गए। उसमें से आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 और 2, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, H2, तो प्लस LHS में आ जाएगा 4H2O। फिर एक मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में सिलिसिक एसिड बना ही है SiH4, प्लस एक कॉम्प्लेक्स एसिड बन गया, तो ये इसके आगे भी कितना जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा H2SiF6। ठीक है, और बिल्कुल सेम जैसे हमने बोरिक एसिड में लिखा था, सिलिसिक एसिड में भी ऐसे ही सेम चीज है कि वहां आउट ऑफ 4 में से एक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था, हाइड्रोलिसिस, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और यहाँ पे ठीक है आउट ऑफ 3 की बात करें तो मैं बोलूंगा एक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और सिमिलर कॉम्प्लेक्स एसिड H2SiX6, ठीक है, और एक्स यहाँ पे फिर से क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फिर से ये कॉम्प्लेक्स एसिड एग्जिस्ट नहीं करते, रीजन सेम है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स एसिड डू नॉट एग्जिस्ट, तो बोरोन और इसके अंदर ये कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, BF3 में 4 में से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसको हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल बोरिक एसिड प्लस 3 मॉलिक्यूल बोरिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और SiF4 में 3 में से एक का हाइड्रोलाइसिस होता है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल सिलिसिक और 2 मॉलिक्यूल आपको कॉम्प्लेक्स एसिड के मिलेंगे।
इसके बाद अगर हम आगे बात करें, हमारे पास एसिड होता है H2S2O8, ठीक है। इसका जब आप रूम टेम्परेचर पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो दो चीजें, पहले जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले तो बनाएगा ये H2SO5, ठीक है, और साथ में बनाएगा एक मॉलिक्यूल H2SO4। और जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये जो परोक्साइड वाला जो एसिड बना, कैरोस एसिड जो कॉमनली बोलते हैं इसको, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा फर्दर, और ये हो जाएगा H2SO4+H2O2, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा सिंपल वे में आप समझोगे तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड इधर तो है OH, और बीच में इसमें आ जाता है परोक्साइड बॉन्ड, यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। तो पहले के इसमें जब आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो H और OH ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड H और दूसरी साइड OH ऐड होगा, ठीक है। तो इस साइड ऐड होगा तो वो तो मिल जाएगा आपका, ये कौन सा दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ OH ऐड होगा तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ये पर सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं H2, सॉरी यहाँ पर H O S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, पहले से था एक OH और मिल गया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करा तो पानी ऐड कर दिया इसमें, और यहाँ पे H O S डबल बॉन्ड, ये भी आपका डबल बॉन्ड और ये OH। और इसका फिर फर्दर आप जो दूसरे स्टेप में लिखा है, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप H ऐड कर देंगे और यहाँ पे फिर से OH ऐड कर देंगे, और ये आपका फिर से एक मॉलिक्यूल तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और एक मॉलिक्यूल आपको परोक्साइड H2O2 मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। कॉमनली इसको मार्शल एसिड बोला जाता है, ठीक है, मार्शल एसिड। और जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कैरोस एसिड मिलेगा, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं, और एक ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, ठीक है, तो फाइनली आपको दो मॉलिक्यूल H2SO4 और 1 मोल H2O2 का परोक्साइड का मिलेगा, ठीक है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है परोक्साइड बनाने का। इसी तरीके से आप देखिए, हाइड्रोलाइसिस करें अगर अपन फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होता है P4O10, ठीक है, इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे कंप्लीटली तो 6H2O मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे रूम टेम्परेचर पे, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, 4 मॉलिक्यूल आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखा है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इसमें स्टेप वाइज होता है। अब कैसे स्टेप वाइज होता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हमें पता है कि फॉस्फोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा ही है, तो बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4O10 इज रिवर्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट,
हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3। तो हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट में आप जब इसको हीट कर दो तो H2 निकलता है। इनिशियली हीटिंग इफेक्ट में सब लिख चुके अपन, इनिशियल जब आप हीट करेंगे तो 2 H2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, तो पहले तो बनाता ये पायरो बना लेता, पायरो फॉर्म H4P2O7। फिर से आप इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, फिर से H2 निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल इसमें से, और ये बनाएगा मेटा फॉर्म H3PO3, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और फर्दर आप जब इसको हीट करेंगे फिर H2 निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, और ये फाइनली P4O10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 220 से बढ़ा के लगभग ऑलमोस्ट 320 के आसपास, और यहाँ पर फिर 320 से भी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके रिवर्स रिएक्शन क्या है कि आपने P4O10 है, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले आपको मिलेगा इसका मेटा फॉर्म, फिर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस फिर फर्दर करोगे तो आपको मिलेगा पायरो फॉर्म, और फिर आप उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसका हीटिंग इफेक्ट है, और राइट से लेफ्ट आ रहे तो इसका हाइड्रोलाइसिस है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठीक है, BCl2 का आप जब हाइड्रोलाइसिस करोगे, BCl2 का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये बनाएगा BeOH2, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हमें पता है कि बेरिलियम कैसा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है, और एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो अगर आपने फर्दर इसके अंदर बेस ऐड कर दिया या NOH ऐड कर दिया तो ये एसिड बेस टाइप हाइड्रोलाइसिस, या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर आपने हाइड्रोलाइसिस करा बेसिक मीडियम में तो इस बेस से रिएक्ट होके खुद एज एसिड, और ये बना लेता है फिर से एक कॉम्प्लेक्स Na2BeOH। ठीक है, सोडियम बेरिलेट बोलते हैं इसको, ये जो यहाँ पर बना है। ठीक है, ये आपको बेरिलियम का वाइट पीपीटी बनता है, इसका हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी होता है, और ये कैसा है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका जो हाइड्रोक्साइड है और एम्फोटेरिक है, तो आप जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एज एसिड ये रिएक्ट करके और ये सोडियम बेरिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नेक्स्ट, अगर आपने BeCl2 है फिर BeCl3, ठीक है, बोरोन का क्लोराइड जब आप लेंगे, इसका आप जब हाइड्रोलाइसिस करोगे रूम टेम्परेचर पे तो ये बना लेता है हाइड्रोलाइसिस करके बोरिक एसिड, 3 Cl हटा के 3 OH ऐड कर दे सिंपल सा, तो ये बना लेगा H3BO3 या HB, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3। ठीक है, ये बोरिक एसिड बना लेता है, साथ में 3 HCl आ जाएगा। देन AlCl3 का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, AlCl3 का आप जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे रूम टेम्परेचर पे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, इसकी तरह, और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फिर से वाइट पीपीटी बना लेता है लाइक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की तरह। ठीक है, ये बना लेता है फिर से वाइट पीपीटी, और हमें पता है एल्यूमिनियम भी कैसा होता है एम्फोटेरिक नेचर का, तो सेम जैसे BeCl2 ने रिएक्शन दी थी वैसे ही ये भी देता है, और साथ में ये कैसा है एम्फोटेरिक भी है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी फेजर बेस के साथ या बेसिक हाइड्रोलाइसिस आपने करा दिया,
ठीक है, इसको ऐसा भी बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इसमें एन ए ए एल ओ एच फोर, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई जगह एन ए एल ए एल ओ टू। ठीक है, इसके बाद अगर आपने PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, PCl5 का आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो रूम टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने पे तो पहले तो कन्वर्ट होगा ये POCl3। ठीक है, दो Cl हटके दो H लगते, OH लगते, और वो H2 के फॉर्म में निकल के POCl3 बना लेते पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पे। और फर्दर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये पूरा सभी Cl की जगह क्या लग जाएंगे आपके OH लग जाएंगे और H3PO4 बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 HCl और निकल। तो नेट अगर हम बात करें तो ये तो यहाँ तक है पार्शियल हाइड्रोलिसिस 2 HCl के साथ, और कंप्लीट एक साथ सारे निकाल दोगे 5 के 5, तो नीचे लिख दिए बाकी आपने, ये है आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट बना उसका फर्दर करके या एक साथ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें SO3 है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, इसमें खास बात यह है कि इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करते। अगर आपने इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा तो ये बना लेता सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, साथ में इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट है ना, हीट लिबरेट होती है बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल या फिर रिस्की रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन हम इसका हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक, इस केस में SO3 के केस में तो इसमें क्या करते हैं, पहले SO3 की रिएक्शन, ठीक है, H2SO4 के साथ कराई जाती है, और SO3 प्लस H2SO4 मिलके, ठीक है, एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको आप बोलते हैं ओलियम, H2S2O7। ठीक है, ये क्या बनाते हैं मिलके, पहले ओलियम और फिर इसका, क्योंकि प्रोडक्ट आप अगर वैसे देखते नॉर्मल रिएक्शन कराते तो बनता क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो बनता सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलाइसिस पे, तो डायरेक्ट ना बना के इस रिएक्शन को अवॉइड करके अब इसका क्या करते हैं, पहले ओलियम बनाते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे रूम टेम्परेचर पे, इसका क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोलाइसिस अब करेंगे, तो फिर यहाँ से 2 मोल आपको H2SO4 मिल जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस पे भी सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, बट वो अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है, थोड़ी रिस्की होती है, तो इसका पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के ओलियम बना देते हैं और देन फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, जो कि H2SO4। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें NCl3, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा रूम टेम्परेचर पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के साथ, है ना। तो ये बना लेता है NH3, अमोनिया बनाता है, साथ में 3 मॉलिक्यूल बनाएगा HOCl, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से आप PCl3, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे PCl3, इसका हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो ये बना लेगा फॉस्फोरस एसिड HPO3 प्लस 3 HCl। ऐसे आर्सेनिक क्लोराइड की जब आप रिएक्शन कराओगे AsCl3, इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां से बना लेगा AsOH3 प्लस 3 HCl। ठीक है, आर्सनस एसिड बोलते
फाइव होता है यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आर्सेनिक एसिड हो जाता है, ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन है तो आर्सेनस एसिड बोलते हैं। इसी तरीके से Sb एंटीमनी क्लोराइड आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे, तो इसका फिर से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, थोड़ा सा क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है, तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही होता है, और ये बनाता है Sbo+ और Cl-, ठीक है, प्लस 2HCl। और इसी तरीके से बिस्मिथ लोगे, ये भी इसमें मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है, तो BiCl3। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये भी बनाने लगता है BiO+, ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में कैटाइन बनाता है साथ में Cl-। और ये दोनों ही, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में नजर आएंगे, वाइट टर्बिडिटी देते, और यहाँ पे भी आपको वाइट टर्बिडिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो एंटीमनी और बिस्मिथ दोनों में ही क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इनका हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा आयोनिक है ना, प्योरली कोवेलेंट टाइप भी नहीं होता और प्योरली आयोनिक टाइप भी नहीं होता है, तो ये आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेंगे ऑक्साइड के साथ कैटाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो सारे कोवेलेंट कंपाउंड के हमने हाइड्रोलाइसिस है ना जितने पॉसिबल थे मैक्सिमम मैंने लिख दिए। अब कुछ, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है उनका हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं, और वो भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट है वही देखते अपन। तो यहाँ लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयोनिक सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक सॉल्ट। इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें पता है मेटल है, तो कैटायन के साथ पानी का एनायन की बात करें तो OH आ जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और साथ में सल्फाइड के साथ H+ आ जाएगा, तो ये बना लेगा H2S। इसमें से ये तो बना लेता है प्रिसिपिटेट, और ये H2S निकलता है गैस के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये वाइट कलर का PPT बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अगर हम बोले तो हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड हम लेंगे CaH2, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से कैल्शियम क्या मिलेगा आपको, कैटाइन होता है कैल्शियम, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो एनाइन मिलेगा पानी से OH-, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H- यहाँ से हाइड्राइड से और इधर पानी से H+, और ये मिलके H2 बना लेते फाइनल, ठीक है, तो ये फिर से H2 गैस, यहाँ से तो मिलेगा हाइड्राइड और यहाँ से प्रोटोन मतलब H+ मिलेगा, और कंबाइन होकर H2 बना लेते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या होता है वाइट PPT बनाता है ये भी, देन ऐसे कैल्शियम Ca2 Ca3P2, ठीक है, फॉस्फाइड हाइड्राइड होता है वैसे फॉस्फाइड भी ले सकते हैं, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अगेन कैल्शियम के साथ OH आ जाएगा, तो ये तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ये तो, ठीक है, और फॉस्फोरस के साथ कौन आएगा, हाइड्रोजन, तो ये बना लेता PH3, ठीक है, जिसको फॉस्फिन भी बोलते हैं, और
ये गैस के फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है इसमें कि कैटायन के साथ पानी का H+ और OH- इस तरीके से ब्रेक करना है। तो जो कैटायनिक पार्ट है उसके साथ एनायनिक पार्ट जोड़ दो और एनायनिक पार्ट के साथ कैटायनिक। ऐसे ही CaCO2 यहाँ लिखते अपन नेक्स्ट। CaC2+H2, इसके आप जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम फिर से OH- लेगा, तो ये तो बना लेगा हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से आपको ये गैस मिलती है, इसको हम बोलते हैं C2H2, इथाइन गैस मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम पे +2 और C2 पे 2-। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, एसी टाई लाइट। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है ये, है ना, इथाइन गैस का। इसको क्या बोलते हैं अपन, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इसी तरीके से AL4C3। ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में या कार्बन फैमिली में आती है रिएक्शन, मीथेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ से ये CH4 बनाएगा मीथेन गैस। यहाँ पर ये भी अभी देखा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाइट PPT बनाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाइट PPT बनाता है। इसमें एक प्रोडक्ट PPT बना रहा है, दूसरा गैस के फॉर्म में, तो इनको सेपरेट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है ना। इसको बोलते हैं अपन मिथेनाइट, कॉमन नेम MeTH-A-N-I-T-E, मिथेनाइट। इसी तरीके से एक होता है Mg2C3, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का PPT बना लेता है ये तो। और यहाँ पर C3H4 ये गैस बन जाती है फिर से। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम में एलाई लाइट। ठीक है, तो यहाँ से C3H4 आपकी गैस बन जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ आयोनिक कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस है। तो ये तो ऑर्गेनिक वगैरह में भी आती है, और वैसे अगर आप देखोगे पी ब्लॉक एस ब्लॉक में भी ये रिएक्शंस आ जाती है। तो अल्टीमेटली सारी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन अपन ने देख ली, जिसमें मेजरली कोवेलेंट है, आयोनिक की कुछ ही लिमिटेड है। तो इनका हाइड्रोलाइसिस करने पे इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं।